भाई शैतान मूवी का टीजर आ चुका है जो बहुत बहुत डरावना है और प्रॉमिसिंग इसलिए भी है क्योंकि अजय देवगन प्रोडक्शन हाउस के देखरेख में इस मूवी को बनाया जा रहा है। और पहले ही बता दूं भाई साहब, ये मूवी रीमेक होने वाली है, लेकिन भाई अजय देवगन प्रोडक्शन हाउस जब ये नाम ऊपर जुड़ा पड़ा है तो यार रीमेक हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पिछले भी प्रीवियस क्रिएशन जो भी आए हैं भाई, दो तीन मूवी लगातार रीमेक लेके आए हैं। लाइक हम अगर बात कर लें तो दृश्यम, दृश्यम टू, भोला ग्रीन से देख लें तो भाई साहब ये रीमेक ही थे। बावजूद इसके इन्होंने अपना कंटेंट रीमेक भी जिस तरीके से बनाना चाहिए वो अपने नाम करके गए हैं। तो वस मूवी जो गुजराती लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसमें मेन लीड एक्ट्रेस है जानकी बोदीवाला, वही मेन लीड एक्ट्रेस इसमें भी मेन लीड पर रहने वाली है। भाई साहब टीजर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि टीजर में भाई बहुत टाइम से हमने ऐसा कोई कॉन्टेंट देखा भी नहीं था, ये डार्क मैजिक से रिलेटेड। लास्ट हमने भूल भुलैया 2 देखा था, लेकिन वो एक फनी वे में था, लेकिन ये भाई फुल डार्क होने वाला है, जिसमें एविल कैरेक्टर, भाई मैं सभी बताऊंगा टीजर में क्या क्या आपको मिलने वाला है। और आपने टीजर नहीं देखा है तो जाके टीजर भी देखना, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और शुरुआत करने से पहले भाई रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल, सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन बड़ा ही पावन दिन है आज का। तो टीजर के बारे में बात करते हैं, अमेजिंग आर माधवन की आवाज में इस टीजर को पूरा कंप्लीट करा गया है। और आर माधवन का जो एविल कैरेक्टर होने वाला है, उन्होंने अपनी आवाज से और अपनी एक मुस्कुराहट से ही बता दिया कि वो कितना डार्क होने वाले हैं इस डार्क मैजिक मूवी में। लेकिन भाई साहब थोड़ा सा गड़बड़ाहट या फिर थोड़ा सा ट्रस्ट इशू वहां पर खत्म हो रहा है, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्शन दे रहे हैं विकास बहल, जिन्होंने अभी करके रद्दी सेवी टट्टी मूवी, गणपत मूवी को डायरेक्शन दिया था, जहां पर एक नहीं हजार गलतियां हमें देखने को मिली थी। लेकिन वो दूसरी तरफ वही ट्रस्ट इशू वहां बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि अजय देवगन है और अजय देवगन ने पहले ही अपनी बहुत सी मूवी में डायरेक्शन दे रखा है। लाइक हम दृश्यम की बात कर लें, दृश्यम 2 की बात कर लें, भोला की बात कर लें, सिवाय की बात कर लें, तो भाई साहब इन मूवी में ये बंदा फाड़ के गया है। भले ही रीमेक थी, लेकिन खुद डायरेक्शन दिया है और फाड़ के डायरेक्शन दिया है, तो मुझे नहीं लगता या फिर यहाँ से एक ट्रस्ट बिल्डअप ये होता है कि भाई साहब डायरेक्शन की कुछ झलकी अजय देवगन की भी इसमें भी देखने को मिलने वाली है। स्टार्स, मेन लीड स्टार की बात करें तो भाई अजय देवगन, आर माधवन एंड जानकी बोदीवाला, जो उनकी डॉटर का रोल प्ले करेंगी, एंड ज्योतिका होने वाली है जो अजय देवगन की बीवी का रोल प्ले करेंगी। आर माधवन एविल कैरेक्टर, तंत्र ज्ञानी वाला, मतलब तंत्र विद्या जिसे आता है, डार्क मैजिक जिसे आता है, वो बंदा ये रोल प्ले करने वाला है इसमें। जो अगर स्टोरी से कंपेयर करें, जो ओरिजिनल गुजराती लैंग्वेज मूवी है बस उससे अगर कंपेयर करें, तो भाई वही सेम टू सेम लाइक स्टोरी होने वाली है, क्योंकि उसमें भी जो तंत्र विद्या का ज्ञानी था या डार्क मैजिक का जो ज्ञानी था, वो किसी मैरिड कपल हाउस में जाता है, शायद रिलेटिव ही होंगे। मैंने वो मूवी देखी नहीं है, इसलिए मुझे एक्साइटमेंट भी है कि भाई साहब ये जो हिंदी वर्जन में ये मूवी आने वाली है वो कितनी औसम एंड फाड़ होने वाली है, क्योंकि गुजराती लैंग्वेज है तो उसकी रीच जो है हिंदी ऑडियंस तक बहुत कम हुई होगी। कुछ लोगों ने देखी होगी, लेकिन बहुत से मेजोरिटी ऑफ लोगों ने नहीं देखी होगी। लेकिन भाई उस मूवी से अगर कंपेयर करें, ऊपरी ऊपर अगर मैंने समरी उसकी पढ़ी थी, तो भाई वो मूवी में जो डार्क मैजिक वाला बंदा होता है वो इस मैरिड कपल हाउस में जाता है, जानकी बोदी वाला जो डॉटर होती है उस मैरिड कपल की, उसको अपने वश में करता है, या ठरकी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसे काम वो ही कर सकते, तो जो भी उससे करवाना चाहता है वो उससे करवाता है, गंदा संदा जितना भी मतलब डार्क में ले जा सकते हो वो सब। तो वही चीज ये आर माधवन रोल प्ले करने वाले हैं, एविल कैरेक्टर जो जानकी बोदी वाला, अगेन मतलब वही सेम कैरेक्टर, वही सेम हीरोइन यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, जो अजय देवगन और ज्योतिका की डॉटर होने वाली है। इशारा तो दे दिया है कि भाई बहुत डरावनी होने वाली है। आपने नहीं देखा है टीजर तो जाके जरूर देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।